हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। आप सभी डीएलएड प्रशिक्षुओं के लिए आज हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की अति लघु प्रश्नों की मैराथन लेकर के आए हैं, जिसमें हम राजन सीरीज के 100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, और वो भी पेपर वन यानी आरंभिक स्तर पर भाषा सब्जेक्ट के। तो 50 मार्क्स का आपका पेपर आता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। इसकी थ्योरी की मैराथन और एमसीक्यू की मैराथन ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो गई है। अगर आपने नहीं देखी है तो महा मैराथन वाली प्लेलिस्ट में जाके आप सारी की सारी वीडियोस एक साथ वहां पर आपको मिल जाएगी। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के दोस्तों शुरुआत करते हैं। अगर आप इन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लेते हैं और इन अति लघु क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से देख लेते हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी बैक तो बिल्कुल नहीं लगेगी, बहुत अच्छे स्कोर आप कर पाएंगे और आपको बनाना भी आ जाएगा आंसर कि अगर एक नंबर में क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर आपको कैसे करना है, कितना आपको उसमें लिखना होता है। तो चलिए फिर शुरू कर देते हैं अपनी आज की क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, आपको सारे ही सब्जेक्ट की अति लघु क्वेश्चन की मैराथन दी जाएगी। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक बार वीडियो को भी अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए, आपसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, सदा एकवचन के लिए प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्दों को बताइए कि जिनको हम हमेशा एकवचन में ही प्रयोग करते हैं, ऐसे शब्द आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, कई बार इनके आपसे पूछ लेता है कि पानी एकवचन है या बहुवचन है, है ना, सत्य एकवचन है या बहुवचन है, या वर्षा का बहुवचन बताओ, आकाश का बहुवचन बताओ, सहायता का बहुवचन बताओ। तो ऐसे आपको कन्फ्यूज करने के लिए अलग अलग तरीके से क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो आपको ध्यान रहने चाहिए, जैसे आकाश हो गया, वर्षा हो गया, सत्य है, झूठ, पानी है ना, और सहायता, ये सारे शब्द, एकता और जनता, ये सारे शब्द सदैव एक वचन में ही रहते हैं। और जैसे हो गया हस्ताक्षर, हो गया प्राण, हो गया आंसू, हो गया, ये इस तरह के शब्द रहते हैं हमेशा बहुवचन में, ठीक है। दोनों के बीच में आपको ये जो मेन मेन वर्ड्स होते हैं इनको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि किसे कहते हैं। देखो, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसी को हम ध्वनि कहते हैं। भाषा की इकाई सबसे छोटी, लिख लो, भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। और ध्वनि वर्णों का उच्चारित रूप होता है, ठीक है, वर्णों का उच्चारित रूप, ठीक है, उच्चारित रूप कहलाता है क्या, ध्वनि। जब हम उसको लिख देते हैं तो वर्ण बन जाते हैं, लिपि बन जाता है। तो समझ में आया आप सभी के, ध्वनि और वर्ण के बीच में अंतर भी आपको इसी से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के लिपि का क्या नाम है, हिंदी की लिपि कौन सी होती है, ये आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है दोस्तों। हिंदी, इंग्लिश की आप मुझे बताओ एक बार, इंग्लिश की कौन सी लिपि होती है, क्या रोमन होती है, बताओ हाँ या ना। रोमन होती है बिल्कुल, और हिंदी की क्या होती है, देवनागरी लिपि होती है, ठीक है। पंजाबी की क्या है बता दो ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर में आ चुका है। और देखो, पता है ना, अगर आप ऐसे अति लघु और बहुविकल्पी और लघु प्रश्नों को ऐसे लगाते हो, उनकी प्रैक्टिस करते हो, इससे ना आपका पूरा सिलेबस मिक्सअप करके रिवाइज होता है। हर चैप्टर के मिक्सअप क्वेश्चन आते हैं तो उससे आपका दिमाग भी खुलता है, और जो आपने थ्योरी पढ़ी हुई है, मैराथन क्लास ली हुई है, उसमें से आप अपना आंसर बनाते हो क्वेश्चन को देख करके। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वर किसे कहते हैं। एक और मैं आपको ना बीच बीच में वो टिप्स भी दूंगी जिससे आप अपनी कॉपी को, जो आपकी एग्जाम कॉपी होगी उसको बहुत सुंदर दिखा सकते हो और आपके नंबर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। वो मैं धीरे धीरे करके उसके टिप्स बताती जाऊँगी। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि स्वर किसे कहते हैं, आप ही बताओ। देखो, वे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अब पहला टिप्स तो ये है, पहला टिप आपके लिए ये है कि आप इनमें उदाहरण दिया करो। अगर इस तरह से आपसे परिभाषा कोई पूछी जाती है ना, तो बिना उदाहरण के मत लिखना। उदाहरण दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आपको यहां पर फिर सारे के सारे स्वर लिख देने हैं, ठीक है, ए, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है। फटाफट से सारे आपको उदाहरण करके जितने भी 11 के 11 स्वर है वो सारे लिख देने हैं। समझ में आई बात, पहला टिप्स ये हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्यंजन किसे कहते हैं? देखो वही चीज आपको यहाँ फॉलो करनी है। स्वर क्या था? जिसमें किसी अन्य दूसरे वर्ण की आवश्यकता ना हो उच्चारण करने में, लेकिन जहां उच्चारण करने की किसी भी वर्ण का उच्चारण करने के लिए जब स्वर की सहायता लेनी पड़े वे व्यंजन कहलाते हैं, यानी जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि व्यंजन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 33 होती है। और उदाहरण फिर आपको क्या करके, मैं तो यहाँ एग्जाम्पल लिख रही हूँ लेकिन आपको प्रॉपर लिखना है उदाहरण, ठीक है, उदाहरण करके आपको फिर लिखना है के ख क ख ग घ, है ना, ऐसे 4-5 लिख करके फिर लिख देना आदि आदि लिख देना, तो बड़ा सुंदर सी आपकी कॉपी हो जाएगी। ये आपको लिखना है। और तीसरा आपके लिए टिप्स ये है, दूसरा टिप्स आपके लिए ये है कि आप जैसे किसी परिभाषा को लिखते हैं ना, तो उस परिभाषा को लिखने से पहले जैसे आपने क्वेश्चन नंबर डाल दिया कि ये हमारा जो है ये क्वेश्चन या आंसर नंबर 5th है, ठीक है, 5th नंबर का आंसर है ये, तो आपको बतानी है, ऐसे पूछिए परिभाषा, तो आप लिखोगे व्यंजन, ठीक है, ऐसे करके आपको हेडिंग डालनी है, उसके नीचे अंडरलाइन करना है और फिर उसके नीचे यहाँ से लिखना शुरू करना है कि जिन वर्णों का उच्चारण, ऐसे करके और फिर उदाहरण, ऐसे लिखोगे तो बड़ा सुंदर लगेगा और एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में भी आसानी रहेगी और नंबर भी ज़्यादा मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन अक्षर किन किन वर्णों के योग से बना हुआ है? ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं दोस्तों, और ये 4 के 4 आपको टिप्स पर होने चाहिए कि किससे कौन कौन से वर्ण से मिलकर के बने होते हैं। चलो सबसे पहले क्षय की कर लेते हैं, तो ये क में हलंत लगा होता है और फिर श से मिलकर के बना होता है, ठीक है, क और धन श से मिलकर के बना होता है। जितने भी संयुक्त व्यंजन है उनमें आपको ध्यान रखना है जो पहले वाला वर्ण होता है ना उसके नीचे हलंत जरूर लगता है। देखो जैसे यहाँ नहीं लगाया हुआ है ना 8वें में, तो गलत हो जाएगा, आपको इसके नीचे हलंत जरूर लगाना है। अगला है, संयुक्त व्यंजन त्र किन किन वर्णों के योग से बना है? तो आधा त और र से मिलकर के बना है, यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ नहीं आएगा, आधा त और र से मिलकर के बना है त्र, फिर आधा ज और य से मिलकर के बना है ज्ञ, ठीक है, इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन देखे। आगे बढ़ते हैं, यह किसका चिन्ह है? जो ये बिंदु वाला साइन होता है किसका होता है आप सभी जानते हैं, इसे हम अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार की परिभाषा एक बार कमेंट बॉक्स में आपको लिखनी है, और अनुस्वार और विसर्ग के बीच में क्या अंतर है ये बता दो मुझे, अनुस्वार और विसर्ग के बीच में क्या अंतर है? विसर्ग का चिन्ह ये वाला होता है और विसर्ग जो है ह की साउंड देता है। आगे बढ़ते हैं, विसर्ग का प्रयोग ज्यादातर हम कहाँ करते हैं? संस्कृत में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला चिन्ह या यह किसका चिन्ह है? तो यह चिन्ह किसका होता है? चंद्रबिंदु का। किसका होता है? चंद्रबिंदु का। नेक्स्ट है, अतिवृष्टि का विलोम बताना है। अतिवृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? अनावृष्टि। क्या हो जाएगा? अनावृष्टि। अर्वाचीन का विलोम प्राचीन हो जाता है। अर्वाचीन का विलोम क्या हो जाता है? प्राचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हिंदी इंग्लिश सारी जगह आपको देखने को मिलेगा और यहाँ भी मिल गया आरंभिक स्तर पर भाषा विषय में। भाषाई कौशल बताने हैं, भाषा को सीखने के कितने कौशल होते हैं? तो यहाँ पर इनको याद करने की ट्रिक बहुत आसान है, सुबोपाली, ठीक है, सुबोपाली, ठीक है, सुबोपाली। सु से सुनना, ब से बोलना, वैसे पढ़ना और ली से लिखना, ठीक है, ये 4 कौशल होते हैं और इनका क्रम भी यही होता है, पहले बच्चा सुनेगा, फिर बोलना सीखेगा, फिर पढ़ना सीखेगा और फिर लिखना, इनका क्रम यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखो जैसे इसमें पूछा है भाषाई कौशल बताइए, तो आपको लिखने हैं भाषा के 4 कौशल होते हैं जिनको हम सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आदि कहते हैं। ब्रैकेट में अगर इंग्लिश में लिख दो उनके सामने तो और भी अच्छी बात है ना, कि सुनना ब्रैकेट में लिख दिया, लिसनिंग। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन क्या है? पठन के सोपान आपको बताने हैं, ठीक है, चलिए जी देख लेते हैं पठन क्या होता है। तो सबसे पहले हेडिंग डाली पठन, फिर बताना है पठन का अर्थ जोर से पढ़ना या फिर मौन रूप से पढ़ना होता है। या तो जोर से पढ़ेंगे, सस्वर पठन करेंगे, वाचन करेंगे, या फिर मन मन में पढ़ेंगे ना, मौन रूप से वाचन करेंगे, जिससे मुद्रित सामग्री का अर्थ और उसका भाव समझ में आए, उसी को हम क्या कहते हैं? पठन कहते हैं। पठन के कुछ सोपान होते हैं और जिनमें 3 प्रमुख सोपान है। प्रमुख सोपान कौन कौन से है? पहला है मुद्रित प्रतीकों की पहचान करना, कि जो भी कुछ लिखा हुआ है ना उसकी पहचान करनी बच्चे को आनी चाहिए, पहला सोपान तो ये हो गया। दूसरा है अर्थ ग्रहण करना, कि जो भी लिखा हुआ है उसको बच्चा
समस्या समझे, उसके अर्थ को ग्रहण करे। और तीसरा होता है अर्थ ग्रहण का उपयोग, कि अपने जीवन में उसकी आवश्यकता पड़ने पर जो उसने वहां पढ़ा था, समझा था, उसका अर्थ ग्रहण करा था, उसका उपयोग करना। तो ये तीन मुख्य सोपान होते हैं किसके, पठन के। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। यहाँ आपसे क्या पूछा गया है देखते हैं। प्राथमिक स्तर की शिक्षा की समाप्ति पर बालकों के पठनगत से बालकों से पठनगत अपेक्षाएं बताइए। देखो, प्राथमिक स्तर पर जब बच्चा पढ़ता है और पढ़ने पर, जैसे मान लीजिए उसने पांचवी क्लास जो है वो पार कर ली, या यूं कह लीजिए पांचवी क्लास वो पास कर ली प्राथमिक स्तर पर, है ना। तो उससे हम कौन कौन सी उम्मीद लगाएंगे, आशा अपेक्षाएं हमारी होंगी कि बच्चे को कितना आना चाहिए, उन बच्चे को मिनिमम कितना आना चाहिए, उसको हम कहते हैं पठनगत अपेक्षाएं। कि अगर बच्चा प्राथमिक स्तर की परीक्षा पास कर चुका है तो बच्चे को चित्र पठन आना चाहिए, जिसको हम कहते हैं ना पिक्चर रीडिंग, है ना, पिक्चर रीडिंग, की बेस में पिक्चर को देखना और उसको समझना, उसमें क्या क्या चीज़ है उसको अपने शब्दों में बताना। तो चित्र पठन आना चाहिए, शब्द पठन, शब्द को पढ़ना, शाब्दिक पठन और वर्ण पठन, ये सब बच्चे से अपेक्षाएं रखी जाती है प्राथमिक स्तर की शिक्षा की समाप्ति पर। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा की समाप्ति पर कौन कौन सी अपेक्षाएं होती है, है ना, न्यूनतम अधिगम जो आवश्यकता होती है वो कितनी होती है, चलिए देख लेते हैं। पहला है चिंतनात्मक पठन, कि बच्चा जो है अगर कुछ भी पढ़ता है तो उसके बारे में सोच विचार कर पाए, इतना हम बच्चे से अपेक्षा रखते हैं कि अगर बच्चे ने कुछ प्राथमिक स्तर की परीक्षा पास कर ली है तो वो सही गलत के बारे में सोच सके, चिंतन कर सके, और साथ ही सृजनात्मक पठन भी कर सके, ठीक है, अपनी तरफ से उसमें कुछ ऐड ऑन कर देना, है ना, ये सब आ जाएंगे किसमें, उच्च प्राथमिक स्तर की पठनगत अपेक्षाओं में। अगला है उच्चारण के दोष बताइए। उच्चारण के दोष कौन कौन से हो सकते हैं, ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन इससे बन सकता है आपका, उच्चारण के दोष कौन कौन से। पहला तो यही है कि कुछ बच्चे आपने देखा होगा रुक रुक कर बोलते हैं, है ना, कि उच्चारण के दोष, तो इस तरीके से रुक रुक कर बोलता है बच्चा, तो ये क्या है, इसका दोष है उच्चारण का। दूसरा है गदगद स्वर में बोलना, कि बहुत स्पीड से, कई बार सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि बोल क्या दिया है। तीसरा है दीनता के स्वर में बोलना, है ना, कोई गा गा कर बोलता है कि मैं ना वहाँ पे चली गई थी आप भी हंसोगे सुन करके, मुख के भीतर बुदबुदाते हुए बोलना, कई बार ऐसा लगता है कि कुछ वर्ड खा जाता है बच्चा बोलते हुए, है ना। तो ये सारी की सारी क्या होते हैं, उच्चारण के दोष होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अलग अलग तरीकों से पूछा गया है, 2019 में भी आया है, उसके बाद भी पूछा गया है। चलो देखते हैं, पठन की में दक्षता अवरोध का कारण बताइए। कि पठन में दक्षता अवरोध, कि पठन अगर हम दक्षता पाने चाहते हैं लेकिन उसमें कुछ अवरोध है ना, उस अवरोध का कारण बताना है कि क्यों बच्चे की दक्षता उसमें हासिल नहीं कर पाता। या फिर अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि पठन कौशल के दो बाधक तत्व बताइए, कि पढ़ने के कौशल में कौन कौन से बाधक तत्व आ सकते हैं। पहला है पढ़ने की कला का अभाव, अगर बच्चे से पढ़ना ही नहीं आ रहा है कि कैसे पढ़ना है तो फिर ये बाधक तत्व तो होगा ही, है ना, बाधक होगा बच्चे के स्किल को डेवलप होने में। दूसरा है पठन रुचि का अभाव, बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ने में, बच्चे का तो गेम खेलने में है, तो बताओ फिर कैसे पढ़ा दोगे आप भाई, ये भी तो बाधक का काम करेगा, उसका सबसे पहले इंटरेस्ट ही डेवलप करना होता है। और बच्चे की रुचि का विकास कैसे करते हैं पठन में, ये भी बता दो एक बार भैया, कहानी पढ़ा करके, कविताएं पढ़ा करके हम बच्चे की जो है रुचि बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तीसरा है चिंतन का अभाव, कि बच्चा पढ़ तो रहा है लेकिन उसको समझ नहीं रहा है ना, चिंतन का अभाव है, बच्चा उसके बारे में सोच विचार नहीं कर पा रहा। फोर्थ है मन की एकाग्रता का अभाव, कि भाई पहली लाइन में पढ़ते पढ़ते कब लास्ट लाइन में पहुंच गए उसको पता ही नहीं है, ध्यान कहीं हो रहा है बच्चे का, तो ये भी बाधक तत्व बनता है। और सबसे ज़रूरी यहाँ पर जो हमारा फिजिकल फैक्टर इसमें बाधा के रूप में कार्य करता है वो है दृष्टि दोष का होना, कि अगर बच्चे को देखने में ही समस्या आ रही है तो वो भी पढ़ने के लिए एक बाधक तत्व का काम करता है। समझ में आया ना आपके, बहुत अच्छे से लिख पाएंगे अगर पूछा, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्वतंत्र अभिव्यक्ति का क्या आशय है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपने मन के विचारों को प्रकट करना दूसरों के सामने। और कैसे कैसे प्रकट किए जा सकते हैं अपने मन के विचार, भाई दो तरीकों से किए जा सकते हैं, होते तो तीन है ना, या तो मौखिक,
या फिर लिखित या फिर सांकेतिक रूप से, है ना। जब मन के भावों को या विचारों को हम अपने खुल करके अपने मन के भावों को विचारों को किसी दूसरे के सामने लिखित मौखिक या सांकेतिक रूप में अभिव्यक्त करते हैं, उसी को स्वतंत्र अभिव्यक्ति कहते हैं। इस तरीके से आप खुद से भी बहुत अच्छा आंसर बना सकते हैं, ठीक है। ये आपको आना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। पहले तो आपको यही बात गांठ बांध लेनी है कि कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो वर्ड टू वर्ड आपकी कॉपी को रीड करेगा। कई बार अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने अगर आ जाती है, ये आपका टिप नंबर होने वाला है, कई बार अगर ऐसे सिचुएशन आ जाए कि आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं बन रहा है तो आपको उसके बारे में अगर थोड़ा बहुत भी पता है ना, स्टार्टिंग उसकी बिल्कुल सही आपकी होनी चाहिए ना। स्टार्टिंग में आप सही सही लिखो, बीच में आप उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ मिक्सअप करके लिख सकते हो जो आपको आता है उतना, है ना, और फिर लास्ट में ठीक लिखना है। अगर कोई हेडिंग डालोगे तो वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। तो ये कुछ तरीके हैं कि अगर बाय चांस आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कुछ हाथ पल्ले ही नहीं लग रहा है क्या पूछ लिया, तो ऐसे में आप ये तरीका अपना सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षक किन किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर पठन अभिवृद्धि का विकास करता है। कि एक शिक्षक को कौन कौन से उद्देश्य को ध्यान में रखने चाहिए जब वो पठन करवा रहा हो बच्चे से या पठन अभिवृद्धि का विकास करा रहा हो। तो पहला तो यही है कि बालकों में पढ़ने के प्रति आनंद के भावों को विकसित करना, उसकी रुचि जागृत करना, है ना। पहला तो यही एक टीचर का उद्देश्य हमेशा होना चाहिए कि बच्चा इंटरेस्ट ले उसकी क्लास में जो भी वो करा रहा है। और दूसरा है नए नए तरीकों से बच्चे को पढ़ाए, सृजनात्मकता की ओर प्रेरित करे बालकों को, है ना। अलग अलग तरीके इस्तेमाल करे, अगर कहानी सुना रहा है तो कठपुतलियों का इस्तेमाल कर सकता है, कुछ मिट्टी के खिलौनों का, है ना, या पपेट्स यूज कर सकता है। तो नए नए तरीकों को खोजता रहे, रोल प्ले कर सकता है, तो उससे बच्चा क्या होगा, आपकी क्लास में इंटरेस्ट भी लेगा और उसका पढ़ने के प्रति रुचि भी जागृत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवेशीय विषयों पर चर्चा से लाभ बताइए। कि जो परिवेशीय विषय होते हैं हमारे आसपास में के से संबंधित जो विषय होते हैं उस पर अगर चर्चा करते हैं तो उसके क्या लाभ है। पहला तो यही है कि इस चर्चा द्वारा बालकों में ज्ञान की वृद्धि की जा सकती है, है ना। बच्चे जिज्ञासु होते हैं तो उनकी जिज्ञासा को जब हम उनके आसपास में क्या चीज़ें हैं उनके बारे में उसको समझाएंगे, बताएंगे नई नई चीज़ें, तो उनकी जिज्ञासा और बढ़ेगी जानने के लिए, है ना। और साथ ही साथ भाषाई कौशल का विकास होगा, ये तो सब में आ जाएगा, भाषा कौशल का विकास होगा। तो बिल्कुल सही आपने इसको समझ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, सरल वाक्य किसे कहते हैं। भैया सरल वाक्य कौन से होते हैं, जिनमें देखो एक ही कर्ता हो, जिन वाक्यों में केवल एक ही क्रिया हो उसे हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसी को हम सरल वाक्य कहते हैं। उदाहरण भी आपको लिखने हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि उदाहरण लिखना मस्ट है, उदाहरण लिखना मत भूलना अगर कोई परिभाषा आपसे पूछी जाती है, ठीक है। ये अपने नोट में लिख लो कहीं कि हमें एग्जाम्पल लिखना है, प्रैक्टिस करोगे दो चार बार तो आपको याद रहेगी एग्जाम टाइम में भी। जैसे रतन पुस्तक पढ़ता है, मोहन चाय बना रहा है, है ना, आप वीडियो को लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, है ना। ये तो मैंने सारा मिक्स कर दिया, लेकिन अलग अलग अगर मैं बोलूं कि श्वेता ने वीडियो को लाइक किया, है ना, तो इस तरीके से ये क्या हो जाते हैं, सारे के सारे सरल वाक्य हो जाते हैं। अब सरल संयुक्त मिश्र, इन तीनों से आपके जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, इन तीनों में से कोई एक। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, देखो जिसमें दो अथवा दो से अधिक उपवाक्य हो, क्या हो, उपवाक्य हो, और ये उपवाक्य किसी संयोजक शब्द द्वारा, जैसे कि और, आदि, लेकिन, किंतु, परंतु द्वारा जुड़े हुए हो, तो उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, मोहन को घर जाना चाहिए किंतु वह नहीं गया, तो इसमें क्या आया, किंतु आ गया, है ना। परंतु, लेकिन, आदि, और, अगर इन इन शब्दों का हम दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं ना, तो वो हमारा हो जाता है संयुक्त वाक्य। कई बार आपसे वाक्य देके पूछ लेगा कि ये संयुक्त है, मिश्र है या सरल है, पहचान करो। तो ऐसे में आपको समझना होगा कि क्या इनमें डिफरेंस है। आगे आ जाता है मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें एक तो होता है प्रधान वाक्य और दूसरा होता है उस पर निर्भर, है ना।
अथवा एक या एक से अधिक उपवाक्य उस पर होते हैं या फिर ये कह लो उस पर डिपेंड होते हैं, आश्रित होते हैं। जैसे संघ प्रमुख के आते ही सभी स्वयंसेवक खड़े हो गए, उसने देखा कि सभी स्वयंसेवक मुस्कुरा रहे हैं, है ना। ये किस तरह का वाक्य है? ये मिश्रित वाक्य है ना। सुबह होते ही वर्षा आ गई, तो इस तरह का वाक्य क्या है? मिश्रित वाक्य है ना। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तब तक रेल जा चुकी थी, ये कैसा वाक्य है? मिश्रित वाक्य है, एक दूसरे पर डिपेंड है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मूल्यांकन किसे कहते हैं? मूल्यांकन से अर्थ समझिए। देखो मूल्यांकन का अर्थ होता है, मैं अपने साधारण से लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ, कि बच्चे को हमने कुछ पढ़ाया, हम बाद में जानना चाहते हैं कि बच्चे को जो हमने पढ़ाया क्या उसने वो चीज़ सीखी, उसको समझी, और सीखी तो कितनी सीखी, है ना। वो देखने के लिए हम क्या करते हैं, बच्चे की एक तरीके से मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन का मतलब सिर्फ और सिर्फ लिखित परीक्षा या ओरल टेस्ट नहीं होता है, उसमें हम बच्चे को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं देखकर कि इसको कहाँ कमी आ रही है, उसको कैसे सुधार किया जाए, इस उद्देश्य से मूल्यांकन किया जाता है। तो अधिगम की संप्राप्ति किस स्तर तक पहुँची, इसकी जानकारी लेना ही क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। बहुत बढ़िया। चलो जी अगला क्वेश्चन है, मौलिक मूल्यांकन किसे कहते हैं? मौलिक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसमें व्यक्ति या विषय वस्तु के मौलिक गुणों या मौलिकता की जांच होती है, उसे ही हम मौलिक मूल्यांकन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है, प्रेक्षात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं? देखो प्रेक्षात्मक का अर्थ समझो पहले, तभी आप बता पाओगे कि इसका मूल्यांकन किसे कहेंगे। प्रेक्षात्मक का अर्थ होता है सामाजिक व्यवहार को दूसरे व्यक्ति को देखकर सीखना, ठीक है। जैसे कि अनुकरण करके बच्चे सीखते हैं अलग अलग तरीके से व्यवहार करना, बड़ों का सम्मान करना, है ना, कि अपशब्द नहीं बोलने हैं और छोटों को प्यार, बड़े को सम्मान, इस तरीके से, है ना। ये सब क्या होते हैं? ये प्रेक्षात्मक गुण होते हैं जो हम दूसरे को देख करके सीखते हैं। तो प्रेक्षात्मक गुणों का अंकन ही प्रेक्षात्मक मूल्यांकन कहलाता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संयोग परलोक निरामीश का विलोम आपको बताना है। संयोग का हो जाएगा, देखो संयोग का विलोम होता है वियोग, ठीक है। संयोग का क्या होगा? वियोग। परलोक का हो जाएगा इहलोक, है ना, परलोक का इहलोक हो जाएगा, इहलोक। निरामीश का क्या हो जाएगा? सामीश हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया है? सारे के सारे विलोम शब्द। आगे है उन्नति तथा कृतज्ञ का विलोम बताना है। उन्नति का विलोम होता है अवनति और कर्तव्य का होता है कर्तज्ञ। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द आपको लिखने को कहा गया है, सूर्य और कमल। सूर्य के क्या क्या हो जाएंगे भाई? दिनकर, दिवाकर, भास्कर, ये सब किसके है? सूर्य के है। क्या इसके अलावा भी आपको कोई पता है? वो लिखो। कमल के क्या हो जाएंगे? अंबुज, सरोज, सरीज, पंकज, है ना, अरविंद, ये सब किसके होते हैं? कमल के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अनौपचारिक शिक्षा केंद्र किसे कहते हैं? देखो अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है पहले तो वही पता होना चाहिए आपको। देखिए अनियमित शिक्षा को ही अनौपचारिक कहा जाता है। जैसे अगर किसी भी चीज़ की निश्चितता नहीं होती उसको हम क्या कहते हैं? अनौपचारिक कहते हैं। मान के चलो जिसका कोई निश्चित स्थान ना हो, निश्चित समय ना हो, निश्चित लक्ष्य ना हो, उन सभी को अनौपचारिक शिक्षा के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि घर में जो शिक्षा मिलती है वो अनौपचारिक शिक्षा का केंद्र होता है घर, है ना, और खेल का मैदान, वहाँ भी बच्चे अनौपचारिक रूप से शिक्षा लेते हैं क्योंकि फिक्स टाइमिंग नहीं है और फिक्स पर्सन नहीं है जिससे सीख रहे हैं, किसी से कुछ भी सीख सकते हैं, तो वो सब अनौपचारिक शिक्षा में आ जाता है, ठीक है। घर, परिवार या फिर समाज में, किसी समाज के किसी संस्था में अगर बैठ उठ रहे हैं वहाँ पर जो चीज़ें सीखते हैं सब अनौपचारिक शिक्षा में आ जाता है। अगला है देशज शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। तो देशज शब्द वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति अज्ञात है, यानी हमको यह ज्ञात नहीं है कि वे किस भाषा के शब्द है या किस भाषा से लिए गए हैं, है ना, या फिर देशी भाषा से जिनकी उत्पत्ति हुई होती है उनको हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे ठेस, लोटा, खिचड़ी, खिड़की, डिब्बा, ये सब कैसे शब्द है? ये शब्द देशज शब्द है, देसी, ठीक है।
अगला है मातृभाषा किसे कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मातृभाषा, मातृभाषा किसे कहेंगे? वह भाषा जो हमें जन्म के बाद अपने माता पिता से सीखने को मिलती है, जिसको मदर टंग कहते हैं, वही मातृभाषा कहलाती है। ठीक है, आप बता सकते हैं हमारी मातृभाषा क्या है? जी, सबकी अलग अलग है भाई, हमारे यहाँ खड़ी बोली है, आपकी कुछ और होगी, है ना। तो इस तरीके से मातृभाषा अलग अलग होती है। एक सवाल आप सभी के लिए है, देखते हैं कौन इसका सही जवाब देगा। आपको बताना है जो हमारी हिंदी भाषा है ये कौन सी भाषा है, क्या ये मातृभाषा है ना, या फिर ये राज्य भाषा है ना, राज्य भाषा है, या फिर ये राष्ट्रभाषा है। तो ये तीन ऑप्शन मैंने आपको दे दिए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य किसे कहते हैं? देखिए, ज्ञान के संचित कोश को, ज्ञान के संचित कोश को ही साहित्य कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण या अक्षर होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। कितने? 52, याद रखना। और यहाँ पूछे हैं स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं 11। और हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं? 33, हमने पहले भी डिस्कस किया था। अच्छा बताओ, संस्कृत में कितने स्वर होते हैं? ये आपके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं? देखो, वर्ण वे है या अक्षर उसे कहते हैं जिसका क्षर ना हो सके, या जिसको और अधिक नष्ट ना कर सके। सबसे छोटी इकाई भाषा की वर्ण कहलाती है, और वर्ण वे है जिनको खंड खंड ना किया जा सके। अखंड मूल ध्वनि ही वर्ण कहलाती है। ठीक है, याद रख पाएंगे? बिल्कुल। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं इसी बात पर, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो देखो दोस्तों, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के यहाँ लिखो व्यवस्थित, ठीक है, व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी वर्णमाला की परिभाषा। अब यहाँ लिखा है व्यंजन वर्णों को लिखिए कि व्यंजन कितने होते हैं। आपको बताया मैंने अभी थोड़ी देर पहले, 33 व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो जिनमें 25 तो आ जाते हैं हमारे कौन से, स्पर्श व्यंजन, है ना, 4 अंतस्थ आ जाते हैं, 4 उष्म आते हैं, और 2 द्विगुण व्यंजन आते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए एक बार फटाफट से देख लो कौन कौन से वर्ग होते हैं। 5 वर्ग होते हैं, क च ट त प, है ना, ये 5 वर्णों के समूह इसमें आते हैं। क से अंग तक, च से इया तक, ट से ण तक, त से न तक, है ना, ये इस तरीके से इनको बांटा गया है। तो आपसे कई बार पूछ लेता है कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। कौन कौन से? य र ल व। उष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, श स स ह। ठीक है, द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ड ढ। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रहने चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों, निषेधात्मक या निषेध सूचक वाक्य किसे कहते हैं? निषेध सूचक यानी जिससे किसी सूचना के निषेध होने का, है ना, नकारात्मक भाव हमें मिल रहा हो, या जिन वाक्यों में क्रिया के निषेध का ज्ञान हो, कोई क्रिया हो ही ना रही हो, उसको निषेध किस उसे हम क्या कहते हैं? निषेधात्मक या निषेध सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे राम ने फुटबॉल नहीं खेलता है ना, उदाहरण लिख देना, राम फुटबॉल नहीं खेलता है। इस तरीके से ये वाक्य कैसे होते हैं? निषेध सूचक या निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, आ गया ना, 2 बार पूछा जा चुका है, अभी यही बताया था कि ये पूछ लेते हैं। अंतस्थ व्यंजनों को लिखिए, तो आप लिखेंगे अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कौन कौन सी? य र ल व, ये सभी अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इनको हम अर्धस्वर के नाम से भी जानते हैं, तो ध्यान रखना, अगर अर्धस्वर करके पूछ ले तो भी बात यही रहेगी। सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ज्ञान अर्जन और ज्ञान वृद्धि के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं, कि किन किन चीज़ों से हम ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं, चीज़ों को सीख सकते हैं, उनके क्या क्या स्रोत है, सोर्सेस है। पहला है प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्व अनुभव, कि चीज़ों को खुद से करके अनुभव प्राप्त करना, है ना, कोई निरीक्षण करके प्रत्यक्ष रूप से खुद करके सीखना। दूसरा होता है विचार विनिमय द्वारा, यानी दूसरों के साथ जब हम बातचीत करते हैं, विचार साझा करते हैं, तो उससे भी हम सीखते हैं ना, दूसरों की शिक्षा से भी हम ग्रहण करते हैं। और तीसरा होता है स्वाध्याय या पठन अभ्यास, कि उसको पढ़ करके स्वयं अध्याय करके सीखना। तो ये 3 स्रोत होते हैं ज्ञान अर्जन या फिर अपने ज्ञान की वृद्धि करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन शिक्षण की ध्वनि साम्य विधि लिखिए। भाई, ध्वनि साम्य विधि कौन सी होती है, वो आपसे पूछा गया है।
पठन शिक्षण की ध्वनि साम्य विधि वह होती है जिसमें ध्वनि में साम्यता रहती है, जैसे क ख ग घ ड, ठीक है। तो ये सारी क्या है, ध्वनि साम्य विधि है, जिनसे मतलब कोई ना कोई ध्वनि निकलती है। आगे चलते हैं दोस्तों, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। पर्यायवाची शब्द वे होते हैं जो समान अर्थ प्रकट करें, इनको समानार्थक भी कहते हैं और इनको एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाया जा सकता है। ये आपके प्रीवियस पेपर में ही पूछे गए क्वेश्चंस हैं। अब देखो, क्योंकि आरंभिक स्तर पर भाषा है विषय का नाम, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आपका थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं बहुत ईजी से। घबराना नहीं है, देख करके बड़े आसान होंगे। जैसे पूछा है कि 15 अमरूद है ना, और प्रत्येक बच्चे को 3-3 अमरूद दे दिए गए हैं, तो कितने बच्चों को अमरूद मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है 3-3 अमरूद को, है ना। और ये पूछा है कितने बच्चे को अमरूद मिलेंगे, तो अमरूदों की कुल संख्या 15 थी, एक बच्चे को 3 अमरूद मिलने हैं, तो 15 को अगर हम 3 से भाग दे देंगे तो यानी 5 बच्चों में हम 3-3 करके 15 अमरूदों को बांट सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ आपसे पूछा गया है कि विराम चिन्हों संबंधी समस्या के क्या प्रमुख कारण है। कि बच्चा कई बार ऐसा होता है कि विराम चिन्ह से संबंधित गलतियां करता है लिखते हुए, तो उसके क्या कारण है। सबसे पहला तो है अशिक्षा, कि अगर हमें उस चीज का ज्ञान ही नहीं है कौन सा विराम चिन्ह कहाँ प्रयोग में होगा, तो गलती जाहिर सी बात है होने वाली है। दूसरा है अज्ञानता, तीसरा है विराम चिन्हों की जानकारी ना होना, और लापरवाही भी होती है कि हम जल्दबाजी में लिख रहे हैं, है ना, विराम चिन्हों को छोड़ते हुए चले गए। और पांचवा होता है उच्चारण दोष, कि अगर हम बोलने में ही गलती कर रहे हैं तो वो जाहिर सी बात है लिखने में भी गलती होती ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप आ गया है आपका। बताया गया है कि आपको दो संख्याएं दी गई है, इनकी आपस में तुलना करनी है, ठीक है। पहली संख्या है 32,541, इसमें आपके कितने अंक है, तो इसमें 5 अंक है। दूसरी संख्या है 6,170, इसमें 4 अंक है। आप ही बता दो कौन सी बड़ी संख्या है, तो इतना असाधारण इतना सिंपल क्वेश्चन क्या ही कहने। तो आप इस साइन के साथ इसको डिनोट करें क्योंकि आप तुलना कर रहे हैं, तो 32,541 बड़ी है 6,170 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, देवनागरी व अंतरराष्ट्रीय अंक को लिखिए। देखिए देवनागरी के बारे में यहाँ से पूछा गया है, तो देवनागरी क्या है, लिपि है, हिंदी भाषा की लिपि है। देवनागरी एक भारतीय लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं तथा विदेशी भाषाएं लिखी जाती है। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है, यानी बाएं तरफ से लिखना शुरू करोगे दाएं की तरफ जाएंगे। इसमें प्रत्येक शब्द के ऊपर एक रेखा खींची होती है जिसको हम क्या कहते हैं, शिरोरेखा। जैसे आप यहाँ देखोगे हर एक वर्ड के ऊपर ये रेखा है ना, ये क्या होती है, शिरोरेखा। यह सबसे अधिक वैज्ञानिक है, इसमें कुल 52 अक्षर है जिसमें 14 स्वर तथा 38 व्यंजन है। यहाँ पर दोस्तों आप 11 स्वर और 33 व्यंजन, और फिर कुछ ऐसे आते हैं जैसे अयोगवा हो गए, वो ना स्वर में काउंट होंगे ना व्यंजन में, इस तरह से मिलकर के कुल 52 हो जाते हैं, ठीक है। तो आप ये वाली लाइन मत लिखना क्योंकि हो सकता है कॉन्ट्राडिक्ट करे आपके आंसर को। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय अंक दशमलव पद्धति पर आधारित होते हैं और यह भारतीय संख्या पद्धति से भिन्न है, जिसमें 9,999 से अधिक बड़ी संख्या में बाएं के अंकों को 2 के समूह में अलग करके लिखा जाता है, ऐसे 2-2 करके अलग करके लिखा जाता है। तो ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय अंक। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अवधारण या संबोध निर्माण हेतु क्या आवश्यक होता है। तो देखिए, अवधारण या संबोधन के निर्माण के लिए सबसे ज़रूरी आवश्यकता होती है या सबसे आवश्यक होता है संख्याओं को समझना, ठीक है, संख्याओं को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन कौशल से क्या अभिप्राय है। तो हमने पहले भी ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, पहले भी पूछा जा चुका है, ये फिर से रिपीट हुआ है। यहाँ आपको बताया गया है कि पठन कौशल का तात्पर्य होता है पढ़ने की उस क्रिया से जिसमें प्रतीक ध्वनि और अर्थ समन्वयक रूप में साथ साथ चलते हैं। भाषाई कौशल में पठन कौशल का विकास भाषा के पूर्ण बोध के लिए अति आवश्यक माना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये भी आपका एमसीक्यू में भी आया था ये क्वेश्चन, कि जो वर्ण नाक से बोले जाते हैं वे अनुनासिक होते हैं या फिर अनुस्वार होते हैं, इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए गए थे। तो अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं, वे वर्ण जो नाक से बोले जाते हैं उन्हें अनुनासिक कहते हैं, जैसे ऊ
है ना, जिसे चांद कहते हैं, तो आ वाली ये साउंड होती है जिस पर चंद्र बिंदु लगा होता है, ये वर्ण नाक से बोले जाते हैं, इन्हें हम अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो उच्चारण स्थान पता करने के लिए सबसे पहले आपको वर्ग पता होना चाहिए, जो पांच वर्ग होते हैं, क, च, ट और त और प। इनको मैंने ट्रिक से याद करवाया था एमसीक्यू के मैराथन में, आई होप आपको याद भी होगी, है ना। तो क कौन से वर्ण में आएगा? घ, तो क वर्ण में आता है क, ख, ग, घ, है ना, घ इसमें आता है। और क वर्ग के पूरे जितने भी सारे वर्ण होते हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ हो गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर, सॉरी, कंठ सही हो जाएगा। आगे है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो उत्पत्ति की दृष्टि से अगर देखा जाए तो तीन प्रकार के शब्द होते हैं। पहला तो होता है रूढ़ शब्द, है ना, जिनको अगर और खंड करे तो फिर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। फिर दूसरा आता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे होते हैं जो दो आप कह सकते हैं, उन शब्दों को कहते कि जिनका अगर हम जो दो शब्दों से, दो सार्थक शब्दों से मिलकर के बने हुए हो, जैसे अगर मैं कहूँ विद्यालय, है ना, तो ये विद्या आलय यानी विद्या का आलय, दोनों का अपना अपना अलग अलग मीनिंग है, है ना। आलय मतलब भवन, विद्या मतलब ज्ञान या विद्या का भवन, तो इस तरीके से। और योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जिनका कोई अन्य ही अर्थ निकलता है, जैसे जलज, जलज का कमल होता है ना, तो ये क्या कहलाएगा? योग रूढ़ कहलाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, यौगिक शब्द से क्या तात्पर्य है, यानी आपसे परिभाषा पूछी गई है। तो यौगिक उन शब्दों को कहते हैं जिनके खंड का अर्थ होता है, अभी अभी डिस्कस किया ना हमने, जिनके खंड करने पर उनका कोई अर्थ निकले। उदाहरण के लिए अगर देखें तो देव का अर्थ हुआ देवता और मंदिर का अर्थ हुआ ग्रह, यानी आप देवालय इसको लिख सकते हैं ना, देवालय, देवालय, तो ये क्या हो गया? विद्यालय हो गया ना, विद्यालय, तो ये अपने आप में कैसे वर्ड है? यौगिक है। आगे चलते हैं, विस्मय बोधक वाक्य किसे कहते हैं? विस्मय बोधक, देखो विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य या फिर विस्मय, हाँ आश्चर्य, विस्मय जिन शब्द, जिन वाक्यों से आश्चर्य का बोध हो उन्हें हम विस्मय बोधक कहते हैं, जैसे अरे क्या हो गया, ये क्या हो गया, है ना, या फिर हे राम यहाँ तो सांप है ना, ऐसा कुछ भी आप वाक्य बना करके लिख देना। और विस्मय, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करना नहीं भूलना है उस विस्मय बोधक शब्द के बाद में, तभी आपका वाक्य पूरा होगा और सही मीनिंग रिप्रेजेंट करेगा। अगला क्वेश्चन है, देखो थोड़ा सा न्यूमेरिकल आ गया है, फटाफट से करके बताओ। राम ने 16 पेन खरीदे हैं, श्याम ने खरीदे हैं 12 पेन, और मोहन ने राम से 10 पेन अधिक खरीदे हैं, तो बताइए मोहन ने कितने खरीदे? भाई मोहन ने राम से 10 पेन अधिक खरीदे हैं, तो 16 में 10 जोड़ दो भैया, 26 पेन खरीदे हैं। बताओ कितना साधारण सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, संख्या 4, 5, 4, 7 में 5 का स्थानीय मान एवं अंकित मान बताना है। देखो स्थानीय मान होता है कि वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरीके से कौन से स्थान पर है। तो ये इकाई होता है, यहाँ दहाई की संख्या होती है, यहाँ पर क्या होती है? सैकड़ा। तो सैकड़ा मतलब 100, है ना, 100 की वैल्यू। तो ये इसकी स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा। और जातीय मान क्या हो जाएगा? जातीय मान को हम अंकित मान भी कहते हैं, यानी जो वैल्यू है उसकी फेस वैल्यू जैसा वो दिखता है एज इट इज, वो उसकी क्या हो जाता है? अंकित मान हो जाता है। तो उसका अंकित मान 5 है, जातीय मान पूछे तो भी 5 है। आगे बढ़ते हैं, गणेश शब्द के तीन पर्यायवाची आपसे यहाँ लिखने को कहा गया है, क्या क्या हो जाएंगे? लंबोदर, गजानन, एकदंत, ठीक है, करेक्ट। आगे बढ़ो, यहाँ पर विलोम पूछा है कौन कौन से शब्द का? कनिष्ठ, कनिष्ठ का हो जाएगा ज्येष्ठ, ठीक है, कनिष्ठ होता है छोटा और ज्येष्ठ होता है बड़ा। वरदान का क्या हो जाएगा? अभिशाप हो जाएगा। उत्कर्ष का क्या हो जाएगा? अपकर्ष हो जाएगा। ये बड़े महत्वपूर्ण से विलोम शब्द है, इनको ध्यान रखिएगा, बार बार आ जाते हैं ऐसे। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? तो गणित में 1, 2, 3 आदि संख्याएं जो 1 से शुरू होती है उनको हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ये संख्याएं वस्तु को गिनने अथवा क्रम में रखने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। अगला सवाल है, वर्ण किसे कहते हैं? देखो वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण से आप क्या समझते हैं? तो अभी इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है 2017 में भी, और उसके बाद भी रिपीट होता है ये क्वेश्चन, है ना, आपको 2022-18 में भी देखने को मिलेगा। तो वर्ण का आशय क्या होता है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और लिखित रूप है भाषा का, है ना, और वर्ण ध्वनियां हैं
तथा वर्ण का उच्चारण इन्हीं ध्वनियों से होता है, अतः भाषा की उस सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं जो निश्चित ध्वनि के रूप को धारण करती है ना। अब वर्ण के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो भैया वर्ण स्वर आ जाते हैं, व्यंजन आ जाते हैं, है ना, ये वर्ण के प्रकार होते हैं। अब व्यंजन में भी आप बताते हैं कि भाई ये अंतस्थ व्यंजन है, ये उष्म व्यंजन है, द्विगुण है ना, ये उष्म व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, इस तरीके से ये सारे के सारे वर्ण आप इसमें उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं। अगर दो नंबर में क्वेश्चन आता है तो ज़्यादा लिखना, एक नंबर में आता है तो जितना यहाँ लिखा हुआ है इतने से भी काम चल जाएगा, एक दो बस उदाहरण लिख देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सम संख्या से आप क्या समझते हैं। देखो, सम संख्या कौन सी होती है जो दो से विभाजित हो जाए, जाहिर सी बात है जो संख्या दो से विभाजित हो जाती है उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण लिखना बिल्कुल नहीं भूलना, 2, 4, 6, 8, 10, ये सारी की सारी क्या होती है, सम संख्याएं होती है। आदि जरूर लिख देना, कभी सिर्फ इतने ही लिख के छोड़ दो, आदि लिख देना, यानी इसके अलावा और भी बहुत सारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुनासिक स्वर को परिभाषित कीजिए। अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं, जो स्वर केवल मुख से बोले जाते हैं, है ना, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं, नहीं यहाँ पे लिखा है जो जब स्वर केवल मुख से बोले जाते हैं तो उनका रूप साधारण होता है, लेकिन जब उनको नाक से बोला जाए और उनके ऊपर चंद्र बिंदु लगा जाए तब ऐसे स्वरों को जो नाक से बोले जाने के कारण ही उनको अनुनासिक कहते हैं। जैसे उंगली, है ना, नाक अगर बंद कर लोगे तो उंगली कहाँ नहीं जाएगा, देखो बोल के देखो नाक बंद करके, उंगली, है ना, उंगली सही नहीं बोला जाएगा, आंधी नहीं बोला जाएगा, आप बोल करके देख लो। ऐसे उदाहरण जरूर लिखते हैं ना आप हर क्वेश्चन के साथ, जो भी अगर परिभाषित करने को आपको दिए जाते हैं। अगला है, हलंत से आप क्या समझते हैं, इसका क्या अभिप्राय है। तो हलंत से आस्य होता है आधा वर्ण, या फिर कह दो उसको स्वर रहित वर्ण। जब हम किसी भी वर्ण के नीचे हलंत लगा देते हैं, जैसे यहाँ पर ये हलंत लगा दिया हमने, तो इसका मतलब ये है इसमें जो स्वर था ए वो हमने हटा दिया, है ना, तो स्वर रहित वर्ण बन गया अभी ये। जब किसी व्यंजन को स्वर रहित लिखना हो तो तब हम उसमें क्या करते हैं, हलंत लगा देते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो आप सभी जानते होंगे 26 अल्फाबेट होते हैं, 26 वर्ण होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। 2016 में पूछे गए क्वेश्चन चल रहे हैं आपके सामने। आगे है, च वर्ग की ध्वनियाँ कितनी होती हैं, नाम लिखिए। च वर्ग में कौन कौन से आ जाएंगे, च छ ज झ ञ, ये आ जाएंगे। अच्छा, च वर्ग में जितने भी वर्ण होते हैं इनका उच्चारण स्थान बता पाओगे आप, बता पाएंगे, बिल्कुल तालु होता है, ठीक है, तालु। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, गुणा में कौन कौन सी संक्रियाएं होती है। आपको गुणा में लिखनी है, गुणा में कौन कौन सी संक्रियाएं होती है, यानी जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसमें क्या क्या आता है, भाई गुणनफल आता है, गुणा जाता है, गुणक आता है, ये सारी संक्रियाएं होती है गुणा में। आगे पूछा है आपसे स्थानीय मान, 345 में सभी अंकों का अलग अलग आपको स्थानीय मान बताना है। तो स्थानीय मान पता करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इकाई दहाई सैकड़ा में से किस स्थान पर वो संख्या लिखी हुई है। तो सभी का बताना है, पहले इकाई के स्थान पर एज इट इज आप लिखोगे, दहाई के स्थान पर आपको जो संख्या है उसमें गुणा 10 कर देते हैं, तो जब 4 में 10 गुणा करोगे तो 40 आ जाएगा, और 3 में 100 की गुणा करेंगे तो 300 आ जाएगा। तो ये हो गए इन सबके स्थानीय मान। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, विधानवाचक एवं निषेधवाचक वाक्य में क्या अंतर होता है, उदाहरण दे करके बताना है। देखो, विधानवाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिन वाक्यों में क्रिया करने या होने का सामान्य बोध होता है, वे क्या होंगे, विधानवाचक, ठीक है, यानी उसमें कोई ना कोई विधि विधान हो रहा है, कोई काम हो रहा है। जैसे वह प्रतिदिन योगा करता है तो काम हो रहा है ना, इसमें बिल्कुल हो रहा है। लता नाचती है, क्या करती है, लता नाचती है, तो इसमें भी कोई काम हो रहा है। तो सामान्य रूप से जहाँ क्रिया का होना पाया जाए विधानवाचक वाक्य, और जहाँ निषेध का ज्ञान हो, यानी जहाँ कोई काम ना हो रहा हो, काम का ना होना या ना करना, वहाँ पर निषेधवाचक आ जाता है। और नए, नहीं, है ना, ऐसे शब्दों का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। जिन वाक्यों में क्रिया के निषेध का ज्ञान हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह प्रतिदिन योगा नहीं करता है, तो नहीं आ गया इसमें, लता नाचती नहीं है, तो यहाँ पर दोनों ही वाक्य ऐसे हैं जिनमें काम नहीं हो रहा है और नहीं का प्रयोग हो रहा है, तो ऐसे निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्वनि के आवश्यक मूल तत्व क्या है। ध्वनि के आवश्यक मूल तत्व कौन कौन से होते हैं भैया? सबसे पहला तो आ जाता है स्पष्टता, कि हम जो भी ध्वनि उच्चारित करें वो बिल्कुल स्पष्ट हो, है ना, सुनने वाले को एकदम समझ में आ जाए कि कहना क्या चाहते हो। तो स्पष्टता का होना ध्वनि श्रवण में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि बोलने में स्पष्टता होगी तो सुनने वाला सुनकर उसका उचित अर्थ ग्रहण कर सकेगा। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है सार्थकता, कि भाई सार्थक हो, है ना, ऐसा ना हो कि आप जो भी कुछ बोल रहे हैं उसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा, उसका अर्थ होना चाहिए कोई ना कोई। तो ध्वनि उच्चारण में ध्यान रखना चाहिए कि वाणी सार्थक हो तथा अनावश्यक ध्वनि विस्तार ना हो। नए ही शब्दों को बार बार आवृत्ति करनी चाहिए, ठीक है। अगला है शुद्धता, कि शुद्ध हो, हम जो भी बोले वो शुद्ध उच्चारण उसका करें, है ना, जो मान्य हो, परिष्कृत हो, सामने वाले को समझ में आए। चौथा है तरंगता, तरंगता का मतलब होता है ध्वनि में आरोह अवरोह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एक समान वाचन से श्रोता ऊब जाता है, होना चाहिए आएगा या नहीं होना चाहिए गलत है, आरोह अवरोह होना चाहिए। स्वराघात बालाघात इन सब का प्रयोग करना है, जिस शब्द पर ज़्यादा जोर डालना है वहाँ थोड़ी सी आवाज़ ऊंची रखनी है, है ना, तो इस तरीके से आपको आरोह अवरोह का भी इस्तेमाल करना है। आगे अगला क्वेश्चन है लेखन किसे कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार रिपीट हो चुका है आपका, 2019-16 में भी आया था। लेखन का क्या अर्थ है? तो जब हम मन के भावों विचारों को लिपिबद्ध रूप प्रदान करते हैं या उनको लिखते हैं, इस प्रकार की अभिव्यक्ति को ही हम क्या कहते हैं? लेखन कहते हैं। बताओ इससे साधारण क्वेश्चन कोई हो सकता है क्या? नहीं ना। आप खामखां डरते हो कि 50 नंबर का पेपर है, मैम कैसे होगा कैसे होगा, इतने इजी इजी क्वेश्चन सारे आ रहे हैं, है ना। चलो अगला देखो, उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन की 3 श्रेणियां होती है। भैया उच्चारण की दृष्टि से अगर हम देखें तो व्यंजन को 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? पहले आ जाते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। कहां से कहां तक? क से लेकर के मा तक, ठीक है। आगे आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? यार अलावा इनकी संख्या 4 होती है। फिर आ जाते हैं उष्म व्यंजन, इनकी भी संख्या 4 होती है। आपके लिए सवाल ये है, कमेंट बुक्स में लिखो उष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अयोगवाह के 3 प्रकार लिखिए। अयोगवाह में कौन कौन आ जाते हैं भैया? अनुस्वार भी आ जाएगा, अनुनासिक वर्ण भी आ जाएंगे और विसर्ग भी आ जाएगा, ठीक है। अनुस्वार अनुनासिक और विसर्ग, ये तीनों ही क्या कहलाते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं। विकारी शब्द किसे कहते हैं? देखो विकारी से क्या मतलब समझ में आ रहा है? विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। तो यानी जिन शब्दों के प्रयोग से लिंग वचन कारक या काल में परिवर्तन दिखाई दे, है ना, उनके प्रयोग के कारण कोई परिवर्तन हो, कोई विकार हो, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखो, ह्रस्व के आधार पर हिंदी ध्वनियों के नाम लिखो। भैया ह्रस्व दीर्घ व्यंजन को, स्वर को हम 2 भागों में बांटते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर भी कहते हैं, है ना, एक तीसरा भाग भी होता है। तो ह्रस्व स्वर कौन से आ जाएंगे? जिनमें एक मात्रा का समय लगता है वे सारे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, जैसे ए ई उ री, ये 4 क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनकी संख्या कितनी है, आप लिखो जल्दी कमेंट बॉक्स में, MCQ में मैंने कराया था। बालाघात क्या है और ध्वनि विज्ञान के आधार पर आपको स्पष्ट करना है कि बालाघात किसे कहते हैं। देखो बालाघात शक्ति की वह मात्रा है, यानी जो ऊर्जा हम लगाते हैं किसी ध्वनि अक्षर या शब्द या वाक्य के उच्चारण में, जो हम शक्ति का प्रयोग करते हैं अपनी, है ना, उसी को ही हम क्या कहते हैं? बालाघात कहते हैं, यानी जोर देना, किसी शब्द पर जोर देना। ध्वनि अक्षर या शब्द आदि के आसपास की ध्वनियों आदि से अधिक मुखर एवं शक्तिशाली होते हैं। आप ये कह सकते हैं कि किसी भी शब्द पर जब हम जोर देते हैं उसको क्या कहते हैं? बालाघात कहते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, जीवा के आधार पर हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण कर उनके नाम लिखिए। तो इसको हम 4 भागों में बांटते हैं जीवा के आधार पर, ठीक है। पहला तो होता है संवृत, यानी हमारे जीव की आकृति कैसी रहेगी इन स्वरों का उच्चारण करते समय, इसीलिए जीवा के आधार पर स्वर को हम 4 भाग में बांट देते हैं। संवृत स्वर, पहला क्या है? संवृत स्वर। दूसरा है अर्ध संवृत, विवृत और अर्ध विवृत, ये 4 प्रकार के होते हैं। संवृत क्या हो जाएगी? जब हमारी जो जीवा है ना,
जिनके उच्चारण करते समय जो हमारा मुख द्वार होता है वो बहुत संकरा हो जाता है ना, यानी हमारा मुंह बहुत कम खुलता है, उसे हम क्या कहते हैं, संवृत स्वर। जैसे ई ई ऊ ऊ बोल के देखो तो हमारा मुख क्या होता है, बहुत ही कम खुला होता है। दूसरा प्रकार है इसका अर्ध संवृत, ठीक है, पहला तो हो गया संवृत, अब दूसरा देखो अर्ध संवृत। इसमें मुख द्वार जो है वो थोड़ा कम संकरा होता है, यानी उससे थोड़ा ज्यादा खुलता है। देखो बोल के ई ई बोलो तो कम खुल रहा है, ए बोलो तो थोड़ा ज्यादा खुल रहा है, ओ बोलो और थोड़ा ज्यादा खुल रहा है, तो ये हो गया अर्ध संवृत संवृत। तीसरा प्रकार है विवृत। विवृत में हमारा मुंह जो है किसी भी स्वर के उच्चारण करते समय पूरा खुला होता है, जैसे आ है ना, आ, तो आ क्या है, ये एक विवृत स्वर है और ये एक ही होता है, इसकी संख्या एक ही है, ठीक है। आ आ बोलते समय हमारा मुंह पूरा खुला होता है। चौथा प्रकार है अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर में हमारा मुख जो है वो आधा खुला होता है, ठीक है, जैसे ए ए ओ औ, ठीक है, ये सब किस में आ जाएंगे, विवृत स्वर में आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये चार भागों में बांटा गया है, मुख खुलने की आकृति के आधार पर इनको विभाजित किया गया है ना। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा गया है री का उच्चारण स्थान क्या है। री का उच्चारण स्थान क्या है, तो देखो मैं आपको बता देती हूँ एक ट्रिक, वो है रिटु रसा मूर्धा, ठीक है, री टू या री रिट रसा मूर्धा मूर्धा, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, थोड़ा समझोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये एक ट्रिक होती है याद करने की उच्चारण स्थान। री और ट वर्ग, ट ठ ड ढ जितने भी इसमें आएंगे, ट वर्ग पूरा और र और ये वाला श, ये सारे के सारे वर्ण जो है ये इनका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। तो आपसे ठ पूछ ले, ढ पूछ ले, तो आपको क्या बताना है, मूर्धा बताना है, क्योंकि मैंने ये ट्रिक बता दी आपको कि रिट रसा या रिटु रसा मूर्धा, ये टू ऊ की मात्रा लगाओ ना लगाओ वो आपके ऊपर है कि आप इस वर्ड को कैसे बना रहे हो, जिससे आपको ये मेमोराइज रहे उस टाइम पर। तो रिट रसा मूर्धा, ठीक है, री ट और दूसरे वाला र और श, ये सारे के सारे उच्चारित होते हैं किससे, मूर्धा। तो इसका है मूर्धा उच्चारण स्थान। अगला क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन से आप क्या समझते हैं और कौन कौन से उष्म व्यंजन होते हैं, कई बार पूछा जा चुका है आपके पेपर में, 18, 19, 16 सब में आए हैं, और कौन कौन से होते हैं ये मुझे आप बताओगे, तब तक परिभाषा देख लो। देखो, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु उच्चारण स्थान से छू कर सीटी की ध्वनि से के समान बाहर निकलती है और गर्म हवा बाहर निकलती है ना, उष्म जब भी तो कहेंगे ना उनको, तो वे क्या होते हैं, उष्म व्यंजन होते हैं। तो बताओ कौन कौन से चार है वे उष्म व्यंजन। तब तक अगला क्वेश्चन देखते हैं, संकर शब्दों को उदाहरण सहित लिखिए। संकर शब्द कौन कौन से होते हैं, जो शब्द दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाए गए हो उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं, ठीक है, जो दो भाषाओं से अन्य अन्य भाषाओं से मिलकर के बने हो, जैसे नेक चलन, नेक चलन। इसके अलावा रेलगाड़ी, ये बहुत अच्छा है, रेल गाड़ी है ना, वर्ष गांठ। तो इस तरीके से अलग अलग शब्दों से मिलकर के बने हुए होते हैं अलग अलग भाषा के, इसीलिए हम इनको संकर शब्द कहते हैं। अगला है विलोम शब्द किसे कहते हैं, भाई जो विपरीत अर्थ प्रकट करे, है ना, जो विपरीत अर्थ प्रकट करे वही विलोम हो जाता है, जैसे गोरा काला, प्रकाश अंधकार, दिन रात, है ना, सुख दुख, ये सब क्या हो जाएंगे, विलोम शब्द हो जाते हैं। उदाहरण जरूर लिख देना, तीन चार जिसका आता हो जरूर लिखना। नेक्स्ट है, शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल क्या आता है। तो दोस्तों, जब भी किसी संख्या को हम शून्य से भाग देते हैं तो इसे शून्य से भाजन कहते हैं, और इसके साथ ही जो हमारा भागफल आएगा है ना, वो भी शून्य ही आएगा। आगे बात करते हैं, अतः शून्य से भाजक अपरिभाषित है, क्योंकि दोस्तों जब हम किसी संख्या को, जैसे मान लीजिए 5 को हमें 0 से भाग देना है ना, शून्य से भाग देना है, तो या हम 0 में किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई कर ले, किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई कर ले, वो आना तो 0 ही है, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि शून्य से भाजक जो है वो अपरिभाषित होते हैं, ठीक है, अर्थहीन है यह भाजन। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक मान किसे कहते हैं। किसी संख्या का वह मान जो कभी परिवर्तित ही नहीं होता है उसी को हम वास्तविक मान कहते हैं, ठीक है, तो वास्तविक मान किसे कहते हैं, जिससे फेस वैल्यू या अंकित मान, वास्तविक मान, इन सब नामों से जाना जाता है ना,
तो जैसे दो दो का वास्तविक मान दो है, तीन का तीन है, पांच का पांच है, लेकिन इनका स्थानीय मान जो है वो बदलता रहता है कि भाई अगर ये पांच यहां ना लिख करके यहां लिखा होता तो इसका स्थानीय मान बदल जाता, लेकिन अगर ये पांच यहां ना लिख करके इसके भी धर लिखा हो कहीं, है ना, तब तो इसकी वैल्यू नहीं बदलेगी, पांच का वास्तविक मान पांच ही रहेगा ना। तो इस तरीके से यहां पर आपको ये एक्सप्लेन करना था आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य प्राप्त होता है, ये आपको उदाहरण दे करके समझाना है। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है। देखो शून्य से गुणा करने पर शून्य ही प्राप्त होगा, आप किसी भी संख्या को रख देना सामने और करके दिखा देना। यहाँ पर दिए गए है दो संख्या और इनकी तुलना करने को कहा गया है कि कौन सी बड़ी संख्या है, तो देख लो यहाँ पर 41,325 बड़ी है कि 7,061 बड़ी है, तो बच्चा बच्चा भी इस क्वेश्चन को कर देगा, समझाने वाली बात ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है 12 पेंसिलें हैं और प्रत्येक बच्चे को दो दो पेंसिल देनी है, कितने बच्चे को ये पेंसिल दी जा सकती है। तो आप इसकी ना ये थोड़ी सी लैंग्वेज देख लेना, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट कर दोगे ना कि 12 को दो से भाग दे के आपने पता कर लिया कि भाई 6 आएगी, ऐसे मत कर लेना ज़्यादा शॉर्ट में, थोड़ा सा कि भाई माना बच्चे इतने हैं, कुल पेंसिल इतनी है, प्रत्येक को दो दो पेंसिल दी गई तो फिर कैसे निकलेगी, इस तरीके से थोड़ा एक्सप्लेन करके उसको लिखना है, तभी दो नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्वर पठन से आप क्या समझते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार रिपीट हो चुका है, आपने मैराथन क्लास में भी अगर देखा हो, थ्योरी में मैंने वहां पर लिखा हुआ था कि कितनी बार कौन सा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगर आप उन मैराथन क्लासेस के नोट्स चाहते हो तो आप नीचे जो टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है उसमें ऐड हो जाओ, ठीक है, और नंबर भी गिवन है उस पर व्हाट्सअप मैसेज कर दो, तो आपको नोट्स मिल जाएंगे आपके सारे सब्जेक्ट के, मैराथन के भी, और पूरा सिलेबस आपका बहुत अच्छे से कवर उनमें कराया गया है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स। सस्वर पठन से आप क्या समझते हैं, तो स्वर सहित वाचन को स्वर वाचन कहते हैं, अर्थात लिखी हुई विषय वस्तु को जब हम सस्वर पढ़ते हैं, है ना, तो वो क्या कहलाता है, सस्वर पठन कहलाता है। अब ये भी दो प्रकार का होता है, पहला आदर्श वाचन और दूसरा अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन वो होता है जब शिक्षक द्वारा किया जाए जो वाचन, और अनुकरण की अच्छा अध्यापक को देख करके छात्र उसका क्या कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा अनुकरण वाचन। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण में उचित आरोह अवरोह की कठिनाई उत्पन्न होने के कौन से कारण हो सकते हैं। देखो तो पहला कारण तो यही है कि अगर बच्चा बहुत तेजी के साथ पढ़ रहा है तो उचित आरोह अवरोह नहीं कर पाएगा, है ना, जिस वर्ड्स पर जिस तरह का भाव प्रकट करना है वो नहीं कर पाएगा, जिस तरीके से उसको समझाना है वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तेजी में पढ़ रहा है बहुत। और दूसरा है भाव को समझ कर नहीं पढ़ना, अगर वो भाव ही नहीं समझ रहा है उस लिखावट का, उस लिखे हुए मटेरियल का, तो फिर तब भी वो उचित आरोह अवरोह नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता नहीं चलेगा कि मीनिंग क्या आ रहा है, है ना, समझेगा नहीं तो भाव को कहाँ से बताएगा। अगला है, पढ़ते समय ध्यान रखने योग्य कौन सी दो बातें होती है, तो चलो देख लेते हैं, दो की जगह हम तीन देखेंगे। पहली है, पठन करते समय शब्दों का उचित उच्चारण करना चाहिए, तथा स्वर गति लय प्रवाह का इनका पूरा ध्यान रखना चाहिए, तभी सामने वाले को उसका सही मतलब समझ आता है। पढ़ते समय प्रभावोत्पादक शब्दों पर विशेष बल देकर बोलना चाहिए ताकि श्रोता उसके पठन की ओर आकर्षित हो। अगला है, प्रत्येक शब्द पर जोर देना आवश्यक है, ऐसा करने पर पठन पूरी तरह से सफल हो जाएगा, जहां रुकने की जरूरत हो वहां अवश्य रुको, जहां शब्दों को अलग अलग करके सही बल और विराम के साथ अगर आप पढ़ोगे तो सुनने वाले को भी हर एक शब्द का अर्थ बहुत क्लियरली समझ में आएगा। आगे दिया गया है, असुंदर या खराब लेखन के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, तो पहला तो यही है कि अगर हमने अपनी कलम को सही ढंग से नहीं पकड़ा है तो इससे भी हमारा लेख जो है वो खराब हो जाता है। दूसरा, अगर कॉपी और आंखों के बीच की दूरी उचित नहीं है तो भी ये समस्या हो सकती है। अच्छा, मुझे कौन बताएगा कि हमारी नोटबुक और हमारी आंखों के बीच जो दूरी है वो कितनी होनी चाहिए, है ना, एक स्पेसिफिक दूरी कितनी होनी चाहिए। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग ना किया गया हो तो भी हमारा लेख सुंदर लगेगा। और लिखते समय बालक के बैठने का ढंग अगर उचित ना हो तो ये भी एक कारण होता है खराब लेख का। पठन कितने प्रकार का होता है, तो देखो पठन के प्रकार यहाँ पर कितने हैं, दो है,
सस्वर पठन और दूसरा है मौन पठन। मौन पठन होता है कि भाई जब हम मुद्रा भाव पठन, दृश्य पठन या अभिनय पठन, चित्र पठन, ये सब किस में आ जाएंगे? मौन पठन के प्रकार होते हैं कि देख करके समझना, है ना, किसी दृश्य को, अभिनय को देख करके समझना मन मन में उसके बारे में। सस्वर में बोल बोल कर होता है। अगला आ जाता है शब्द किसे कहते हैं, तो शब्द किसे कहते हैं चलिए देख लेते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, जो सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे कान, कलम, मैं, आप, विद्यालय, पुस्तक, राम इत्यादि। आप और भी अपनी तरफ से कोई भी उदाहरण इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है श्रुत लेख किसे कहते हैं, तो वो लेख जो सुनकर लिखा जाए उसे ही हम श्रुत लेख कहते हैं। ठीक है, शीघ्रता, सुंदरता तथा शुद्धता के साथ लिखा गया वास्तव में लेख श्रुत लेख कहलाता है। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। फटाफट से 6 क्वेश्चन और रह जाते हैं, हमारा 100 की एक सेंचुरी पूरी हो जाएगी, है ना। फिर अगला पार्ट हम कल कवर करेंगे ताकि आपको भी बोरियत ना फील हो, एक क्लास में ज्यादा चीजें ना कवर करके हम दो पार्ट में इसको कवर करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। चलिए, स्पर्श व्यंजन से आप क्या समझते हैं बता दो। तो देखो, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, क से मा तक। और जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारा मुख द्वार बंद हो जाते हैं, और इस प्रकार बोले जाते हैं कि हवा जो है हमारे मुख के उच्चारण स्थानों को स्पर्श मात्र करती है, उनको स्पर्श कर करके आती है, वे व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। फिर उदाहरण लिख देना है कि क से मा तक सारे व्यंजन क्या है, स्पर्श व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है तद्भव किसे कहते हैं, तो वे शब्द जो मूलतः संस्कृत के हैं किंतु धीरे धीरे उनका रूप बदल गया और वे हिंदी में प्रयोग होने लगे, उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आम, हाथ, आग, है ना। आम को संस्कृत में बताओ तत्सम क्या होगा, आम का आम्र हो जाएगा, हाथ का हस्त हो जाएगा, आग का अग्नि हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आप इसको बता सकते हो। देखो यहाँ साथ ही आ गया तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तो जो संस्कृत के शब्द जो के तो हिंदी में प्रयोग किए जाते हो वे हमारे तत्सम शब्द हो जाते हैं। जैसे नंगा का नग्न हो गया, हस्त, अग्नि, आम्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, रूढ़ यौगिक, योग, रूढ़। तीन प्रकार के हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्द जाने थे, तो देखो रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, जो शब्द जो किसी अन्य शब्दों के योग से ना बने हो, जैसे आम, कान, कलम। और अगर इनको हम ना विभाजित करने लगे, तोड़ने लगे इन शब्दों को और खंड करने लगे, तो इनका फिर कुछ अर्थ नहीं बचेगा, है ना, इनको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द वे होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हो, जैसे पुस्तकालय, पुस्तक, धन, आल्य, तो अपना अलग अलग अर्थ देंगे वो, छात्रावास, छात्र, धन, आवास, है ना। तो इस तरीके से ये सब कौन से हो जाएंगे, यौगिक शब्द हो जाएंगे। और योग रूढ़ कौन से होते हैं, जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं परंतु किसी अपने विशेष अर्थ को छोड़कर, अपने सामान्य अर्थ को छोड़ करके कोई विशेष अर्थ देने लगते हैं, जैसे पंकज, जलज, नीरज, ये सब किसके हैं, ये सब कमल के पर्यायवाची होते हैं, तो ये सब क्या कहलाएंगे, योग रूढ़ कहलाते हैं, जो अपना विशेष अर्थ छोड़ करके किसी, अपना सामान्य अर्थ छोड़ करके किसी विशेष अर्थ का प्रदर्शित करे, वे सब योग रूढ़ शब्द हो जाते हैं। जैसे लंबोदर, लंबोदर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में गणेश जी आते हैं, है ना। ऐसे ही और बहुत सारे आप वर्ड लिख सकते हैं, आप बताना मुझे, ठीक है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की क्लास, आई होप आप सबको पसंद आई होगी और हर एक क्वेश्चन को आपने समझा होगा। अब आप अपनी तरफ से भी इसको बना करके लिख सकते हैं, जब आपने समझ लिया है तो जाहिर सी बात है आप लिख पाएंगे अच्छे से। तो क्लास पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है, अपने फ्रेंड्स को भी एक बार फटाफट शेयर कर दो। दोस्तों नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना, और प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे मैराथन की पिन कर दिया है कमेंट बॉक्स में, वहां से उसको आप देख सकते हैं, सारी मैराथन क्लासेस जिसमें फुल थ्योरी कवर कराई गई है एक ही क्लास में। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अब तो जीभ भी फिसलने लगी है मेरी बोलते बोलते, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।